हेलो बच्चों, मेरा नाम अंशु है। ये आप लोगों की अकाउंटिंग की पहली क्लास है। ये आपकी 11 चैप्टर की 11 क्लास के लिए है। चैप्टर वन है। चैप्टर वन में हम लोग पढ़ेंगे इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन। हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग आखिर है क्या, क्यों करते हैं और क्या क्या प्रोसेस वगैरह है, हम लोग इसमें ये पढ़ेंगे। आखिर अकाउंटिंग हम लोग करते करते क्यों है, चाहे क्यों किया जाता है। तो हम लोग जो बिजनेस करते हैं, बिजनेस में जितने भी हमारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जितने भी हम लोग परचेज और सेल्स करते हैं, वो सारा सिस्टमेटिक रिकॉर्ड हम लोग अकाउंटिंग में कर किया जाता है। जब अकाउंटिंग नहीं था, अकाउंटिंग से पहले सिंपली हम लोग रफली रफ कॉपी में लिख दिया जाता था, जैसे कि एक दुकानदार रखता है अपने कॉपी में, इतना मिला इतना गया, वो सब अपना लिख लेता है, रिकॉर्ड कर लेता है। लेकिन वो नहीं, हम लोग यहाँ पे सिस्टमेटिक तरीके से डेबिट और क्रेडिट करके दोनों को अच्छे तरीके से रखना सीखेंगे। ट्रांजेक्शन्स को, हमारे कितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। डेफिनेशन में आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे क्या, यहाँ पे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड क्या करते हैं, सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को, हमारे जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स है उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। फिर उनको हम क्या करते हैं, समराइज करते हैं। समराइजिंग करना मतलब इन शॉर्ट में उसको समराइज किया जाता है। इन शॉर्ट में हम लोग देखते हैं उसको कि कहाँ रखना है, कहाँ पे उसको हम लोग कौन से जर्नल्स में, कौन से लेजर्स में उसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये हम लोग समराइजिंग में करते हैं। आगे हम लोग क्या करेंगे, फिर हमारे जितने भी रिकॉर्ड्स वगैरह हो गए हैं सारे, हम लोगों ने अच्छे तरीके से उनको तैयार कर लिया है, उससे हम लोग को प्रॉफिट और लॉस और हमारे फाइनेंशियल स्टेटस वगैरह हम लोग को पता चल जाता है। फिर हम लोग उसमें क्या करेंगे, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देंगे। किसको देंगे इन्फॉर्मेशन कि हमको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो यूज़र्स को। यूज़र्स हमारे कौन कौन से हैं, तो हमारे प्रोप्राइटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, गवर्नमेंट से टैक्स वगैरह देने के लिए गवर्नमेंट एजेंसीज है, और हमारे एम्प्लॉई हैं। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। आगे हम लोग देखेंगे आगे क्या एसेंशियल फीचर्स हैं हमारे अकाउंटिंग सिस्टम के। क्या है एसेंशियल फीचर्स, क्या है इसके, पहला क्या है, पहला ये एक साइंस भी है और दूसरा ये आर्ट्स भी है। साइंस बोले तो, साइंस अगर हम बोले तो इसके प्रॉपर कुछ अपने रूल्स रेगुलेशन से, जो प्रिंसिपल्स है जिसको हम लोग फिक्स हमें फॉलो करना ही करना है। लेकिन अगर हम लोग आर्ट्स की बात करें तो आर्ट्स में हम लोग हमारे पैटर्न है, हमारा तरीका है कि इस तरीके से किया जा सकता है, लेकिन इसको हम रिजिड नहीं बोलेंगे कि ये फिक्स है, ये हम नहीं बोलेंगे। जो पहले से चलता हुआ आ रहा है हम लोग सिंपली उसको फॉलो करते हुए आते हैं। दूसरा क्या है, हम लोग इसमें रिकॉर्ड्स करते हैं। क्या रिकॉर्ड्स करते हैं हम लोग इसमें, इवेंट्स को, वैसे इवेंट्स को जो कि फाइनेंशियल नेचर के हैं, फाइनेंशियल नेचर के हैं। जैसे कि मैंने कोई सामान खरीदा है, ठीक है, हमने कोई गुड्स परचेज किया है, तो हमारा कैश, इसमें कैश ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, तो हमारे फाइनेंशियल नेचर का हो गया ये। अगला हमारा हम देखेंगे इसमें, वैसे टर्म्स को हम लोग इसमें एक्सप्रेस करेंगे। वैसे टर्म्स को एक्सप्रेस करेंगे जो कि क्या है, हमारा रिलेटेड है मनी से, मनी से रिलेटेड है। जो ट्रांजेक्शन, जो हमारे मनी से रिलेटेड जितने भी हमारे रिकॉर्ड्स होंगे, ट्रांजेक्शन्स होंगे, उसको हम लोग इसमें रिकॉर्ड करते हैं। विदाउट मनी का रिकॉर्ड्स हम लोग इसमें नहीं करते हैं। अगर मेरे ऑफिस में दो एम्प्लॉय का, या मैनेजमेंट का, या फिर मैनेजर का किसी एम्प्लॉय से अगर झगड़ा हो जाता है, तो वो दोनों का जो रिकॉर्ड होगा, वो दोनों के काम ना करने से मेरा रिकॉर्ड, वो दोनों के काम ना करने से कंपनी को लॉस होगा, मेरे फर्म को लॉस होगा, लेकिन वो हमारा ट्रांजेक्शनल रिकॉर्ड नहीं, मनी से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड हमारा वो लॉस नहीं है, इसलिए हम लोग उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। वहीं हमने कोई सामान खरीदा है, कोई परचेज किया है, किसी को सैलरी दी है, किसी को वेजेस दिया है, किसी को हमने क्या दिया है, वेजेस दिया है, तो ये सारा हमारा मनी से रिलेटेड है, और इसे हम लोग क्या करेंगे, इसे रिकॉर्ड करते जाएंगे। रिकॉर्ड करने में पहला क्या फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग हम लोग क्या क्या करते हैं, पहले नंबर पर आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई करते हैं इसके अंदर कि हमारे जो हमारे एक्सपेंसेस हैं या इनकम है, वो हमारे मनी से रिलेटेड हैं या नहीं है। फिर उनको हम लोग मेजर करते हैं, फिर उनको हम लेंगे अकॉर्डिंग में हम लोग जर्नल बना लेंगे। जर्नल को भी हम लोग सब डिवाइड कर सकते हैं, इसके बहुत सारे बुक्स होते हैं, कैश बुक हो गया, सेल बुक हो गया, ठीक है, परचेज बुक हो गया, यहाँ पे हम लोग ये सारे, और हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेट 8 है लगभग, ठीक है। आगे हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन में हमारा क्या होता है, क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग लेजर बनाते हैं। लेजर पता ही है, इसको हम लोग पोस्टिंग भी बोलते हैं, हिंदी में इसको खत्म नहीं बोला जाता है, अगर जिस बच्चों जो हिंदी मीडियम से हो या हिंदी में पता हो, ठीक है, पोस्टिंग वगैरह बोलते हैं हम लोग। लेजर जनरल होना है, बनाया हमने, चाहे फिर अदर सब्सिडीज बुक में हमने जो रिकॉर्ड करना था, परचेज सेल्स वगैरह रिकॉर्ड कर लिया, फिर हम लोग उसको ट्रांसफर कर देते हैं लेजर में, ठीक है। लेजर में हम लोग उसको पोस्टिंग करना बोलते हैं, उसके बाद समराइजिंग करते हैं हम लोग। समराइजिंग करने में हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ठीक है, प्रॉफिट PNL अकाउंट बनाते हैं। अगला हम बनाते हैं बैलेंस शीट।
बैलेंस शीट वगैरह हम लोग इसके अंदर बनाते हैं। आगे अगर हम फिर देखें, हम लोग यहाँ पे देखें तो फिर हम लोग एनालाइजिंग करते हैं और एनालाइज करते हैं और इंटरप्रिटेशन करते हैं इसके अंदर। एनालाइज करना कि भाई हम लोग देखते हैं कि हम लोग को प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, सारे डेटास वगैरह हमारे कितने एसेट्स हैं, हमारे कितने लाइबिलिटीज है, वो सबको हम लोग क्या करते हैं इसमें एनालाइज वगैरह इंटरप्रेट वगैरह किया जाता है। फिर आगे कम्युनिकेट मतलब कि हमारे हायर अथॉरिटीज जो है, ठीक है, फर्दर भाई हमारे डिवेंचर होल्डर शेयर होल्डर्स वगैरह हो गए, हमारे सी ई ओ हो गए, उसके डायरेक्टर्स वगैरह हो, उन लोगों के एक अकाउंटेंट जो होता है वो इसको शेयर कर देता है ताकि वो अपने आगे के जो डिसीजन है वो उनको ले सके। और सर्विस एक्टिविटीज़ में भी यही सारे काम किया जाता है जो कि कम्युनिकेशन किया जाता है भाई, आगे यूजर्स जो है इसके इनको सही व्यक्तियों को सही पर्सन को इसको डिलीवर कर दिया जाता है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है। हो गया, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन हो गया, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो हो गए हमारे, ठीक है, या फिर हमारा कोई भी इवेंट हो गया जो कि मनी रिलेटेड है। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है मनी रिलेटेड, एक होता है नॉन मनी रिलेटेड। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हम लोग उसको बोलते हैं, एक होता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में हम लोग जितने हमने सैलरी पेड किया, बिजनेस पेड किया, परचेज किया, सेल्स किया, वो सारे चीज़ हमारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में आ जाते हैं। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में मान लो कि हमारे दो एम्प्लॉयज़ या मैनेजर के बीच में झगड़ा हो गया, वो हमारे नॉन फाइनेंशियल है, उसके बदले में हम लोगों को उसको कुछ देना पड़ गया, जो लॉस हुआ हमारा, कंपनी हमारी बंद हो गई, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। अदरवाइज़ मुझे कुछ पैसे अपने घर पे देने पड़ गए फॉर हाउस यूज़ के लिए, या फिर डोनेट करने पड़ गए, वो मेरे नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं। वो भी मैं डोनेट कर रहा हूँ, मैं कंपनी अकाउंट से नहीं, वो मैं अपने पर्सनल अकाउंट से डोनेट कर रहा हूँ, तो वो मेरे नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होंगे। अगर उस पैसे को मैं कंपनी अकाउंट से ट्रांसफ़र करूँगा तो वो मेरा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कहलाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं, इन सबको हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं। रिकॉर्डिंग मैंने बताया, जर्नल बनाया जाता है इसका, ठीक है। जनरल है हमारा, सबसे पहले जनरल बनाएंगे। जनरल बनाने के बाद कैश बुक बनाएंगे हम लोग। कैश बुक में जितना भी कैश रिलेटेड हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स, जितने भी हमारे ट्रांजेक्शन्स है, वो सारे इसमें रिकॉर्ड किया जाएगा। आगे हम लोग परचेज बुक बनाएंगे। परचेज बुक और सेल बुक हम लोग उस जगह पर बनाएंगे जहाँ पर हमारे क्रेडिट बेस पर हमने कुछ काम किया, मतलब कि उधार हमने कोई काम किया है, उधार हमने परचेज किया है या उधार हमने सेल किया है। अब हम लोग बात करते हैं परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक क्या होता है, हम लोगों जब जब कंपनी कोई एसेट्स परचेज करती है या कोई गुड्स या कोई प्रोडक्ट्स जो है वो परचेज करती है और उसको अगर कुछ डिफेक्टिव मिलता है तो हम लोग उसको रिटर्न कर देते हैं, उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। सेल रिटर्न वगैरह की हमने सेल किया और कुछ सामान जो है जो उन लोगों को हमारे कस्टमर्स को अच्छा नहीं लगा वो लोग जब रिटर्न कर देते तो उसे बोला जाता है सेल रिटर्न। अब हम बात करते हैं बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, इसको हम लोग बीआर बोलते हैं। ये क्या होता है, कंपनी की एसेट्स होती हैं, ठीक है, इसमें हम लोगों को पैसा मिलता है, इसमें हम लोग बिल्स जैसे प्रॉमिसरी नोट्स वगैरह होता है उसी का एक पार्ट है। बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल दोनों ही प्रॉमिसरी नोट्स का एक पार्ट है। बिल्स रिसीवेबल में अभी आप लोग फिलहाल इतना समझ लीजिए कि पैसा हमारे पास आता है, फर्दर हम लोग इसको आगे क्लासीफाई करेंगे और आगे समझेंगे। बिल्स पेबल में हम लोगों को पैसा देना पड़ता है बस एक ड्यू डेट पर, इतना समझिए। और आगे के जितने ये सारे एंट्री जिसमें नहीं आते वो सारे एंट्री जो बच गए उसके बाद हम जनरल प्रॉपर में करते हैं, जैसे एरियर्स वगैरह हो गया हमारा, ठीक है, आउटस्टैंडिंग हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारा हो गया, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक हो गया हमारा, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक हो गया हमारा, ये सारा चीज़ हम लोग जनरल प्रॉपर में करते हैं। ये सारा कर लेने के बाद इसके बाद हम लोग बनाते हैं लेजर, ठीक है, जिसको बोला जाता है क्लासीफाइंग करना। और लेजर में जो हम लोग इसको ट्रांसफ़र करते हैं उसको बोला जाता है कोटिंग करना। आगे अब हम लोग जब भी हमारा लेजर बन जाता है उसके बाद समराइजिंग करते हैं। समराइजिंग करने में क्या क्या आता है, ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हम लोग लेजर से ही डेबिट साइड और क्रेडिट साइड उठाते हैं। और अगर हमारा दोनों साइड डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि हमारा ट्रायल बैलेंस सही बना है, आवर ट्रायल बैलेंस इज करेक्ट, शोइंग करेक्ट इन्फॉर्मेशन। जब हम लोगों का ट्रायल बैलेंस सही हो जाता है उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं, हम लोग बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन जाता है, उसके बाद अगर हमारा प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट या लॉस हुआ तो लॉस, उसको हम लोग बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, जैसा कि आप लोग आगे में देख सकते हैं। यहाँ देखिए ट्रेडिंग अकाउंट बना हुआ है, ट्रेडिंग अकाउंट में हमारे ये सारे हमारे खर्चे हैं, ये सारे हमारे इनकम, जैसे सेल्स करने पर इनकम हो गया, ये सारे हमारे खर्चे हो गए, यहाँ पर हमारा देखिए लॉस हो गया, लॉस को हमने आगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर हम लोग को लॉस हुआ, ठीक है, इस लॉस को हमने क्या किया फिर बैलेंस शीट में हमने जाके यहाँ पे शो कर दिया। इस तरीके से हम लोग हमारा ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट हम लोगों को बनाना है। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे फिर एनालाइज किया जाता है इसको कि कितना लॉस हुआ कितना प्रॉफिट हुआ, ठीक है, बैलेंस शीट में हमारे एसेट्स कितने हैं लाइबिलिटीज़ कितने हैं, ये सारा जो हम लोग तय कर लेते हैं डिसाइड हो जाता है। उसके बाद हम आगे के हमारे हाई अथॉरिटी जो हैं या फिर यूज़र जो हैं उसको हम लोग कम्युनिकेट कर देते हैं, इसको सेंड कर देते हैं, जिससे कि वो फिर जो
नेसेसरी स्टेप्स हैं रिगार्डिंग में कंपनी के, रिगार्डिंग में हमारे इंस्टीट्यूशन के, वो लोग नेसेसरी स्टेप्स रूल्स रेगुलेशन वगैरह बनाते हैं। और आगे हम लोग एक बार आप लोग देख सकते हैं कैश बुक हमारा ऐसा होता है, ट्रायल बैलेंस हमारा ऐसा होता है। ये देखिए यहाँ पे डेबिट साइड और यहाँ पे क्रेडिट साइड दोनों इक्वल है।